तो देखो ये कहना गलत नहीं होगा कि इंडियंस को कार्टून्स और एनिमे के बीच का फर्क नरूटो और वन पीस जैसी सीरीज ने ही बताया है, लेकिन इसमें मैं वन पीस को थोड़ा सा ऊपर रखता हूँ क्योंकि शायद वन पीस सीरीज इंडिया में पहले इतनी पॉपुलर नहीं होगी जितना कि इसकी लाइव एक्शन सीरीज आने के बाद हो गई है। लेकिन फिर भी क्या है कि कई लोग इसकी सक्सेस को डाइजेस्ट नहीं कर पाते और पूछते हैं कि भाई आपकी इस वन पीस सीरीज में आखिर ऐसा है क्या कि लोग इसे मास्टरपीस बोलते हैं, हमें भी तो एक दो रीजन दीजिए ताकि हम भी मजबूर हो वन पीस को देखने के लिए। तो देखो अगर मैं चाहूँ तो इस डिबेट को एक सिंपल से सेंटेंस में भी खत्म कर सकता हूँ ये कहकर कि भाई देखो जिस सीरीज के 1000+ एपिसोड्स कंप्लीट हो चुके हैं वो मास्टरपीस नहीं तो और क्या है। लेकिन ऐसे नहीं, मैं आपको 3 प्रॉपर रीजंस दूंगा जिन्हें जानने के बाद आप कम से कम वन पीस सीरीज का एक एपिसोड देखने को तो मजबूर हो ही जाओगे और उस फ्लो में आपको पूरी सीरीज खत्म कर दोगे, आपको खुद को पता नहीं चलेगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला रीजन मैं दूंगा कैरेक्टर्स। अब देखो नॉर्मली किसी भी सीरीज में क्या होता है कि स्टोरी या तो लीड कैरेक्टर के अराउंड घूमती है या फिर 3-4 कैरेक्टर्स और होते हैं और उनमें पूरी स्टोरी उलझी रहती है। लेकिन इस मामले में वन पीस बाकी सीरीज से बिल्कुल अलग है क्योंकि भाई न्यू डिफरेंट और यूनिक कैरेक्टर्स की सीरीज में अपनी एक अलग दुनिया बसी हुई है। सीधा सीधा बोलूं तो अभी के टाइम में जितने मेरी जेब में पैसे नहीं है उससे ज्यादा तो इस सीरीज में कैरेक्टर्स भरे हुए हैं 1100+, जिसका बेनिफिट ये है कि अगर आपको किसी भी मोमेंट में ऐसा लगे कि भाई अब इस कैरेक्टर का रोल थोड़ा सा ऑफ होता जा रहा है तो सडनली आपके सोचने से पहले एक न्यू कैरेक्टर निकल कर आएगा और वो पूरे सिनेरियो को अपने हिसाब से चेंज कर देगा और यही तो जनता को चाहिए। एंड प्लस इस सीरीज में कई कैरेक्टर्स के तो अपने अलग अलग ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशंस भी है, अब इतना कुछ मिल रहा है तो मजा तो आएगा ना भाई। सेकंड, डीप बैक स्टोरीज। वन पीस के स्ट्रॉ हैट पायरेट्स ग्रुप के हर एक मेंबर की बैक स्टोरी इतनी ज्यादा हार्ट टचिंग है कि आप लोगों को इमोशनल कर देगी। जैसे कि हमारा लीड कैरेक्टर लफी, जिसके पेरेंट्स की मौत उसके बचपन में हो गई थी, जिसके बाद उसके ग्रैंडफादर उसे काफी ज्यादा परेशान किया करते थे और उसे जंगल में छोड़कर चले गए थे जहां पर लफी की दोस्ती कुछ डाकुओं के साथ हुई। लेकिन फिर भी बचपन में पेरेंट्स के ना होने और डाकुओं के साथ रहने के बावजूद भी लफी ने खुद ही अपने दम पर सही और गलत के बीच डिफरेंस करना सीखा और उसने कभी भी गलत काम नहीं किया। और नेमिस ने बताया कि अगर आपके पास कुछ नहीं और आप एक गुलाम की जिंदगी बिता रहे हो तब भी आप अपने गोल पर फोकस करके लाखों रुपए कमा सकते हो। और रोबिन जो की एक ऐसे आइलैंड पर जन्मी थी जो कि पूरा आर्कियोलॉजिस्ट से भरा हुआ था, लेकिन वर्ल्ड गवर्नमेंट को जब उस आइलैंड का पता चला तो उन्होंने वहाँ के रहने वाले लोगों के साथ उस आइलैंड को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दे दिया, जिससे रोबिन तो किसी तरह बच गई लेकिन उसे अपने घर परिवार और दोस्तों को तबाह होते हुए देखना पड़ा जो कि उसके लिए इतना ज्यादा पेनफुल था कि आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। और बचपन में वर्ल्ड गवर्नमेंट ने उसे एक क्रिमिनल भी घोषित कर दिया था जबकि वो तो एक छोटी सी मासूम बच्ची थी। और चॉपर जो कि एक रेनडियर था लेकिन ह्यूमन फ्रूट खाने की वजह से उसमें ह्यूमन जैसी पावर्स आ गई, लेकिन उसकी इस एबिलिटी की वजह से उसके बाकी रेनडियर साथियों ने उसे अपने झुंड से अलग कर दिया और उसके आइलैंड पर रहने वाले इंसानों ने भी उसे एक मॉन्स्टर डिक्लेयर कर दिया। लेकिन फिर उसकी मुलाकात हुई डॉक्टर हिरिलुक से जिन्होंने उसे अपनाकर प्यार का असली मतलब समझाया। वन पीस में ऐसे और भी कई सारे कैरेक्टर्स हैं जिनकी बैक स्टोरी अगर आप सुन लो तो आप शायद रो भी पड़ो, लेकिन अब उन सबकी बैक स्टोरी मैं इस एक वीडियो में तो बता नहीं सकता हूँ ना। तो फाइनली थर्ड रीजन जो कि मेरा फेवरेट है और इसे जानने के बाद आप लोग भी 100% कंफर्म हो जाओगे कि वन पीस एक मास्टरपीस शो क्यों है। तो देखिए इसका रीजन है लेस फिलर कंटेंट। अब फिलर कंटेंट बोले तो कई बार किसी शो को लंबा खींचने के लिए क्रिएटर्स क्या करते हैं कि उस शो के बीच में कई फालतू के एपिसोड घुसा देते हैं जो ना तो किसी पास्ट या प्रेजेंट के इवेंट से ताल्लुक रखते हैं और ना ही उनका किसी फ्यूचर में आने वाले इवेंट से लेन देन होता है, वो तो बस हमारा टाइम वेस्ट करने और शो को लंबा खींचने के लिए होते हैं। और ये चीज नरूटो और ब्लीच जैसे शोज में काफी बार देखने को मिली है, लेकिन वन पीस इन सभी शोज से बिल्कुल अलग है क्योंकि इसमें फिलर कंटेंट की मात्रा लगभग ना के बराबर है क्योंकि इसका हर एक एपिसोड एक दूसरे से कनेक्ट करता है और ऑडियंस को पहले से फ्यूचर में आने वाले किसी बड़े इवेंट का इंडिकेशन दे देता है जिससे जनता फुल एकदम एक्साइटेड हो जाती है कि भाई कुछ तगड़ा माल आने वाला है और बस यहीं पर वन पीस बाजी मार जाता है और बन जाता है एक मास्टरपीस शो। और अगर इन तीनों चीजों में हम वन पीस की क्रिएटिव एबिलिटी और इसके शानदार मैप और लोकेशंस को ऐड कर दे तो भाई मजा ही आ जाएगा। तो बस अब जल्दी से कमेंट में जाकर बता दो कि वन पीस देखने का प्लान बना या फिर नहीं, या फिर साला मैंने इसी टाइम वेस्ट किया।